हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने जो है लिमिट पढ़ा है, आप लोगों को बताया है लिमिट, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट क्या होता है वो बताया था। उसके बाद कंटिन्यूटी पर इसके जस्ट प्रीवियस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। आज जो है हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ हर लेक्चर में, और वो ये है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हमने रियल में पढ़ा है, ठीक है। और ये जैसा रियल में है वैसा ही कॉम्प्लेक्स में भी है, बस फर्क ये हो जाता है कि यहाँ हम जो है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जो है हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम लिख करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा बहुत टफ टॉपिक नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं इसके डेफिनेशन पर बात करूँ तो सपोज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट। और देखिए, नेबरहुड हर जगह पर आता है और इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है ना। नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको नहीं पता है ना तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, तो आपको जो चीजें हैं वो जानकारी में आ जाएगा, तो आपको टॉपिक समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो z नॉट है ना डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z नॉट, द डेरिवेटिव ऑफ f, मतलब कोई भी फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम जिसकी बात कर रहे वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन f है, f एट z नॉट, मतलब ये जो f है ये z नॉट पॉइंट पर जो है डेरिवेटिव है। कहने का मतलब ये है जो ये f है वो इस z नॉट पॉइंट पर अगर जो है डेरिवेटिव है तो उसको हम जो है ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और वो क्या है, f डैश z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन डेल्टा ऑफ z, ठीक है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। मतलब ये जो लिमिट है वो हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, तो भी जाकर के हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन f है वो डेरिवेटिव है कौन से पॉइंट पर, z नॉट पॉइंट पर जो है वो डेरिवेटिव है, ठीक है। होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ जब आपको पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे f डैश z नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू जीरो f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय डेल्टा z, ठीक है। इस ये जो हमारे पास दिया हुआ है लिमिट, इस लिमिट को कभी कभी हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि z नॉट प्लस डेल्टा z को जो है हम लिख देते हैं z, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा चेंज क्या करूं, देखिए, अगर मैं यहां से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये जो है डेल्टा z की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो z माइनस z नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेल्टा z के प्लेस पर हम ये चीज़ रख सकते हैं। कहने का मतलब अब ये हो गया कि अगर डेल्टा z हमारा जो है ज़ीरो है, डेल्टा z जो है ज़ीरो की ओर जा रहा है, तो हमारा z जो है z नॉट की ओर जाएगा, क्लियर है। डेल्टा z अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो जो z है वो z नॉट की तरफ जाएगा। तो अगर इस फंक्शन को मैं चेंज करूं तो f डैश z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z कहाँ जा रहा है, z नॉट पर जा रहा है, और जो फंक्शन है इस पूरे के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, z पुट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय, यहाँ पर इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा z के प्लेस पर मैं z माइनस z नॉट लिख सकता हूँ। तो एक फार्मूला ये भी निकल के आता है, कुछ कोई कोई जो है ऑथर जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, वो ये फार्मूला भी लिख के रख देता है। अलग अलग बुक का अलग अलग लेखक है और उसके अलग अलग तरीके हैं, बात एक ही है ना। कोई कन्फ्यूजन होने वाली कोई ऐसी बात इसमें है ही नहीं, दोनों ही सेम है। अगर कहीं पर आपको ये दिख जाए वो भी सही है, अगर कहीं पर ये दिख जाए ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही आपका सही है। तो यहाँ पर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और इफ़ द लिमिट इज एग्जिस्ट, मतलब ये जो लिमिट है
ये जो लिमिट हमारे पास आ रहा है ये अगर एग्जिस्ट करता है देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, मतलब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कह सकते हैं कि जो ये है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, किस पर, इस जेड नॉट पॉइंट पर। अब एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है, एक ईजी सा क्वेश्चन लिया है और बहुत लेंदी हम इस वीडियो लेक्चर को करेंगे नहीं, ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले और फिर हम इसके एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें कुछ थ्योरम्स है उनको हम प्रूफ करेंगे, है ना, क्योंकि थ्योरम जो है जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थ्योरम के बारे में पता है तो कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग का स्किल है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ जेड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस फाइव फाइव जेड, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका जो है जैसे हमने रियल एनालिसिस में किया था वैसा ही है ना, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप रियल में जो डेरिवेटिव है वो अगर आपने पढ़ा है तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले गिवन क्या है, एफ ऑफ जेड जो है हमारे पास गिवन है जो कि क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ जेड, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस का फाइव ऑफ जेड। तो सबसे पहले चीज क्या है, हमें एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड निकालने हैं। तो हमें क्या करनी है, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड हमें निकालनी है। तो एफ ऑफ जहां जेड है वहां पर जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड लिखनी है, तो जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर माइनस फाइव, जेड के प्लेस पर हमें निकालनी है जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जेड नॉट का स्क्वायर, ठीक है, जेड नॉट का स्क्वायर यहाँ पे हमें z प्लस जो है z नॉट प्लस डेल्टा z हो जाएगा, ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमें यही चीज लिखनी है आप, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, z नॉट का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर प्लस टू z नॉट इंटू डेल z माइनस फाइव जेड नॉट और माइनस का फाइव डेल जेड, ठीक है। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक कैंसिल नहीं होगा तो उसको एज इट इज रख देते हैं। उसके बाद अगला क्या है, हमें क्या करनी है, इस सारे पूरे फंक्शन को एफ ऑफ जेड नॉट निकालनी है, एफ ऑफ जेड नॉट निकालनी है। एफ ऑफ जेड नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड नॉट का स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ जेड नॉट। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बनाऊँ और आगे थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो हमारे पास जो भी फार्मूला होता है इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट करेंगे। और ये फार्मूला हमारे पास क्या है, या चलिए यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ एक बार, सिंस एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय डेल जेड, क्लियर है। अब हमें क्या करनी है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो भी हमने यहाँ पर ये फंक्शंस को कैलकुलेट किया है इसका वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। और जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ जो है फंक्शन का कुछ एक फॉर्म आ जाएगा और हमारे पास एफ डैश जेड नॉट हमारे पास आ जाएगा। देयरफोर एफ डैश जेड नॉट, ठीक है, जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड नॉट डेल जेड टेंड्स टू जीरो और इसका जो वैल्यू हमारे पास आया है वो है जेड नॉट का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर प्लस टू जेड नॉट इंटू डेल जेड माइनस फाइव जेड नॉट माइनस फाइव डेल जेड।
और माइनस का ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का जेड नॉट का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का फाइव जेड नॉट आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड में जो है हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जेड आ जाएगा। अब देखिए कुछ फंक्शन यहाँ से मे भी कैंसिल हो जाए, चलिए एक बार चेक कर लेते, और अगर कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखो, प्लस का फाइव जेड नॉट है, ये कैंसिल हो रहा है इस वाले फंक्शन से, जेड नॉट का स्क्वायर है प्लस का और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से दिस एम्प्लाई एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल जेड का स्क्वायर प्लस टू जेड नॉट डेल जेड, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का फाइव डेल जेड, ठीक है। बाकी सब कैंसिल आउट हो चुका है और हमारे पास जो बचा है यहाँ पर डिवाइड में डेल जेड बचा है, इज इक्वल टू लिमिट सॉरी डेल जेड टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ से देखो डेल्टा जेड अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ एक टाइम के लिए, डेल्टा जेड को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर हमारे पास बचेगा डेल्टा जेड और यहाँ पर टू प्लस का टू जेड नॉट और यहाँ पर हमारे पास माइनस का ओनली फाइव बचेगा, क्लियर है। और यहाँ पर डेल्टा जेड हमारे पास बच रहा है, तो हमने क्या किया है, बस हमने डेल्टा जेड को कॉमन लिया है, तो जो डेल्टा जेड को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, और फिर इससे देखिए ये कैंसिल भी हो रहा है, और अगर मैं अभी डेल्टा जेड के प्लेस पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं अगर डेल्टा जेड के प्लेस पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास जो है निकल करके आ जाएगा लिमिट, ये तो हमारे पास इसके जगह पर जीरो हो जाएगा, टू टू जेड नॉट माइनस का फाइव आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया एफ डैश जेड नॉट, तो एफ डैश जेड नॉट हमारे पास क्या आया टू जेड नॉट माइनस का फाइव आ गया। तो ये जो है डेरिवेटिव है जो दिया गया हमारे पास फंक्शन था, है ना, और दिया गया फंक्शन हमारे पास क्या था जेड स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ जेड। तो देखिए कितना आसान है ना, कितना आसान है, आप इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने देखो क्या होता है ना, अगर आपका बेस जो है बेसिक स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ से आता है क्लास ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट, क्लास ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बीएससी अच्छे से आपने किया है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, अभी इसके बाद हम एनालिटिक फंक्शन भी एनालिटिसिटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बीएससी के बाद अगर आपने एमएससी ढंग से किया है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ज़रूर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर आया होगा, तो ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मेन आपका जो बेस है ना वो है क्लास ट्वेल्थ का, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो है फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा जो है चीजें निकल के आ जाती है। डेरिवेटिव के बारे में देखिए एक नया चैनल भी है हमारा जिसमें हम क्लास ट्वेल्थ जो मैथ्स और साइंस है उसके बारे में हम डिस्कशन वहां पर जो है लेक्चर्स अपलोड करते हैं, और वहां पर जाकर के आप लोग जो है डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल जो भी है ये डिफ्रेंसिएशन वगैरह आपको अगर क्लियर नहीं है वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एमएससी कर रहे हो या फिर बीएससी कर रहे हो या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं तो आप क्लास ट्वेल्थ के वीडियो से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो आप ही को बेनिफिट होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो नया चैनल है आप लोग इसको भी सपोर्ट करिए, है ना, जो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनसे आप लोग जो है इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, है ना, और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, उसे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ जो है वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं, और जो भी बच्चे बोर्ड क्लास में हैं उनको सपोर्ट हो अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है हमारे पास एक नोट है और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है हम प्रूफ भी करेंगे, हालांकि नोट तो यहाँ पर मैंने ऐसे नोट बता दिया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक जो है हमारा थ्योरम है, ठीक है ना। थ्योरम क्या है, आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि जो भी डिफरेंशियबल फंक्शन है किसी भी पॉइंट पर, अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है ना,
तो वो फंक्शन 101% है कि कंटिन्यूअस भी होता है, ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन कोई कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ना, किसी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। तो ये जो है थोड़ा सा कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, है ना। तो वही चीज यहां पर लिखा है नोड वन कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल फंक्शंस एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, मतलब अगर कोई पॉइंट पर जो है कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस 101% होगा, है ना। इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा है कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। तो होप कि दोनों नोट आपको समझ में आ गया है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में दूंगा, है ना। बहुत लेंथी हम लेक्चर्स को नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े चीजों को हमें एक एक करके समझना है कुछ एग्जांपल के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिफरेंशिएशन रूल। और डिफरेंशिएशन रूल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कॉन्स्टेंट रूल में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है डी ओवर डी जेड एक कोई कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और साथ में अगर डी ओवर डी जेड कोई कांस्टेंट के साथ हमारे पास जो है फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हम बेसिकली यहां बात करेंगे, तो एफ ऑफ जेड हो जाएगा। तो वो हो जो है इसका अगर डेरिवेटिव करता हूं तो सी तो हमारा पहले बाहर आ जाएगा, सी हमारा पहले बाहर आ जाएगा, और ये जो डी ओवर डी जेड है एफ ऑफ जेड अगर मैं करता हूं तो एफ डैश जेड आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरा रूल है सम रूल। सम रूल में आपको पता है कि अगर d ओवर dz हमारे पास f ऑफ z और प्लस माइनस में g ऑफ z है, दो फंक्शन है, दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है अलग अलग, तो एक बार इसके साथ डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब f डैश z हो जाएगा प्लस माइनस g डैश z हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट रूल में आपको पता है, प्रोडक्ट रूल में देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फॉर्मूला, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि अगर प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट इनटू सेकंड प्रोडक्ट वाला हुआ तो फर्स्ट डी ओवर डी जेड सेकंड प्लस सेकंड डी ओवर डी जेड फर्स्ट, ये है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चेंट रूल में क्या आता है, डी ओवर डी जेड अगर हमारे पास फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड हुआ, मतलब फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड तो हम नहीं लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद डिनोमिनेटर डी ओवर डी जेड न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी ओवर डी जेड डिनोमिनेटर, तो ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ दो फंक्शन हुआ, यहाँ अगर दो फंक्शन हुआ, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हटा करके अगर मैं एफ ऑफ जो है जेड लेता हूँ और यहाँ पर जी ऑफ जेड लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में जो है हमारा चेंज हो जाएगा। आगे आता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि अगर डी ओवर डी जेड एफ ऑफ जी जेड हुआ तो सबसे पहले तो एफ डैश जी जेड हो जाएगा इंटू जी डैश ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ हमारे पास डिफ्रेंसिएशन के रूल्स थे। ओके, ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मुझे बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है, वहां पर जरूर बताइए। और आपको किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर लेक्चर चाहिए, है ना, मैथ में कौन सा बुक में आपको लेक्चर की जरूरत है, वो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि मैं उसका लेक्चर आगे बना सकूं, ठीक है ना। आपका जो डिमांड होगा उसी अकॉर्डिंग जो है लेक्चर्स बनेंगे, क्लियर है। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आप लोग जुड़िए तो आगे और भी आप लोगों को अच्छे से लेक्चर्स इसमें मिलेंगे मैथ्स में, ठीक है। तो वीडियो सही लगे तो इसको लाइक भी करिए, और अगर हेल्पफुल लगता है मेरे चैनल आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।